हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज मैं ड्राई ब्लैक करंट कहिए या काली किशमिश कहिए, तो इसे बनाते कैसे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम अंगूर लेंगे। अंगूर एकदम फ्रेश होने चाहिए और काले वाले अंगूर लीजिएगा, गले अंगूर तो बिल्कुल मत लीजिएगा। और फिर इसको अच्छे से वॉश करिएगा, कम से कम दो तीन पानी अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। काले अंगूर से कितने फ़ायदे होते हैं ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दो चार फायदे बता दे रही हूँ। आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट माना जाता है। अंगूर खाने से वज़न कम करने में भी आसानी होती है। अंगूर खा जब अगर काले अंगूर आप खाते हैं तो इससे किडनी भी स्वस्थ रहती है, क्योंकि काले अंगूर में पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, इसलिए यह दिल के लिए भी फायदेमंद होता है। तो ये कई मायनों में फायदेमंद होता है। अब चलिए इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल क्लीन हो गया है, अंगूर कितने फ्रेश हैं ये तो आप सब देख ही रहे हैं। अब चलिए इसे स्टीम करते हैं। चाहे आप प्लेट में निकाल कर रख दीजिए या डायरेक्ट पानी से निकाल कर, मैं दोनों तरीके से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, या आप डायरेक्ट पानी से निकाल करके चलनी में रख दीजिए, या जो भी आपके पास हो, जाली वाला कोई भी बर्तन हो इस प्रकार से, तो आप इसमें रख दीजिए। इस प्रकार से आसानी से और बहुत जल्दी स्टीम हो जाते हैं। इसे आप इडली मेकर में भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आप इस प्रकार से कोई बड़ी सी छन्नी ले लीजिएगा और उसमें रखिएगा। ये किशमिश बहुत ही मीठे होते हैं। अब चलिए आप देखिए, पानी गर्म हो रहा है। अब इसे स्टीम करेंगे, और इसे तब तक स्टीम करेंगे जब तक कि इसका कलर बिल्कुल लाइट नहीं हो जाता है। इस किशमिश का यूज़ ज़्यादातर लोग कुकीज़ में करते हैं, केक में करते हैं, आइसक्रीम में करते हैं, किसी स्वीट डेजर्ट में भी करते हैं। तो जिसमें जिसमें आपको इच्छा हो, लोग आप उसमें भी यूज कर सकती हैं। ये तो है नहीं ज़रूरी कि आप नहीं कर सकती हैं। किशमिश का कलर चेंज हो गया है। मैंने आपको हरे अंगूर की किशमिश भी बनाकर दिखाई है, वो भी इसी प्रकार से बनती है। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसके अच्छे से स्टीम होने की निशानी है कि किशमिश बीच से फट जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टीम आप अच्छे से करिएगा, फिर इसे आप सुखाइएगा अच्छे से। अब आपके यहाँ धूप जैसे आती हो, जैसे किसी के यहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक धूप टिकी रहती है, किसी के यहाँ थोड़ी देर तक, तो इस प्रकार से इसे धूप में अच्छे से सुखा लीजिएगा। वैसे तो आजकल की धूप इतनी तेज़ है कि 3 से 4 दिन में ही ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। इस प्रकार से आप अच्छे से इसे फैला दीजिएगा, बस सूखने दीजिएगा। और ये लीजिए फ्रेंड्स, काली किशमिश बनकर तैयार हो गई है। कितनी बढ़िया सूखी है, मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही हूँ, और एक तोड़कर भी आपको दिखा रही हूँ। इसे आप अच्छे से स्टोर करके रख लीजिए, काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।